नमस्कार, सुपर फास्ट इन एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं जहांगीराबाद की, जहां हजरत बाबा बेफिक्र शाह रहमतुल्ला के दरगाह पर चल रहे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक उर्स मेले में भीड़ उमड़ रही है। रात में हो रही कव्वाली का भी लोग बेहद लुत्फ उठा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मेले में लगे झूलों पर खूब झूल रहे हैं। वही महिलाएं भी जमकर खरीदारी कर रही हैं। सिद्धार्थनगर में एसएसबी 85 वाहिनी के जवानों को गश्त के दौरान बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जवानों ने महादेव बुजुर्ग रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति को रोक लिया और उसके गहनता से तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके झोले से 10 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। कुरुक्षेत्र में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दीप सैनी ने कहा कि बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं ने अच्छे दिनों के नाम पर जनता का विश्वास तोड़ने का काम किया है। बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के कारण किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी सभी के सभी दुखी हैं। अभी हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की तर्ज पर प्रदेश की जनता भी भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। ये हमने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन एक भाईचारे के तौर पे एक मिलन सम्मेलन किया है, ताकि एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह मिला जाए और एक दूसरे से आपस में संबंध और गूढ़ता बने। और हमने अभी एक बूथ कमेटी की बात करी है, सहयोगी बनाने हैं, हर बूथ पे 10 सहयोगी बनाने हैं। उस सहयोगी के ये तैयारी कर रहे हैं और मीटिंग करके उन साथियों को बताया भी है और आगे की रूपरेखा रखी है, जो कि हर गांव में दौरे किए जाएं, हर गांव में प्रोग्राम किए जाएं। कल को कोई जनसभा है, कल को कोई प्रोग्राम है, तो उसको सुचारू रूप से किया जाए, सब एक्टिव हो जाएं। जैसे सर, अभी 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई है, तो इसके जनता से क्या अपील रहेगी सर आपकी? देखो, ये तो जनता एक मन बना चुकी है, जो बीजेपी के जुमले थे, जो झूठ बोल के 15-15 लाख रुपए खातों में आ जाएंगे, हर घर रोजगार दिया जाएगा, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी, जो 50% इनको बढ़ोतरी मिलेगी, तो ये सारे झूठे हुए और जनता ने बदलाव ला दिया। अब कांग्रेस को चाहते हैं राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हरियाणा में भी कांग्रेस आएगी, तो ये सभी जगह कांग्रेस का, और 3 राज्यों में जो है आप लोगों ने देख ही चुके हैं, 5 राज्यों में क्लीन स्वीप हुआ है बीजेपी। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक राइस मिल की ड्रायर मशीन में अचानक आग लग गई। आग लगने से वहां मौजूद मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। मिल मालिक ने सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। क्या हुआ था, किस लिए आए हुए थे? अरे, वायरलेस द्वारा सूचना मिली थी, ओंकार राइस मिल में आग लगी थी और यहां पर गाड़ी लेकर के आए पहुंचे। गाड़ी को जो है स्टार्ट करके आग को बुझा दिया गया और बड़े हादसा से रोका जा सका, आग जो है बुझाई गई। नाम बता दीजिए। रमेश मिश्रा। यूपी के बिजनौर की बात करते हैं, जहां चांदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 2,60,000 रुपए नकद, 2 तमंचे, मोबाइल फोन बरामद किया है। जिसने घटना हुई थी 28/11 में रात में, 3 बदमाश आए और उन्होंने बैंक से अपना पैसे की कुछ गिनती कर रहे थे, हिसाब किताब मिला रहे थे, उस समय पैसे छीन करके भाग गए। तो उस समय अचानक से विश्वास नहीं हुआ क्योंकि रात 9 बजे बैंक खुला नहीं रहता, लेकिन जब इनसे बातचीत की तो विश्वास हुआ। फिर उन्होंने बताया कि हमारे पैसे इतने गए, वो उन्होंने गलत बताया था, और जब हिसाब किताब मिला गया तो पाया गया कि 1.25 लाख गरीब का है, जो FIR उन्होंने दी थी उसके हिसाब से FIR दर्ज कर गई। बाद के बयानों में इनके द्वारा ये बताया गया कि शुरू में भी उन्होंने पैसे निकाले, तो जब सारा हिसाब किताब क्लियर हुआ तो ये 6 लाख की लूट थी जो इन बदमाशों ने की थी। इस बात का वेरीफाई जब ये बदमाश पकड़े गए तब पर भी हो गया कि इन्होंने इतने की लूट की थी। 3 बदमाश पकड़े गए जो बहुत ही शातिर हैं और इन पे आप देख रहे हैं कि एक पे कम से कम 16-18 मुकदमे हैं, जो ये पैसे लेकर के भी इन्होंने हत्या की। 2015 में जेल में रहे, एक को 5 वर्ष कारावास से दंडित भी है, जो जमानत पर है। इनकी शिनाख्त एक इसमें सिपाही था जो इस समय हल्दवानी में पोस्ट है, उसके द्वारा की गई और उसने बहुत ही होशियारी से फोटो देखी तो तुरंत पहचान गया, इसको भी इसमें साथ में लगाया गया था, तब से पूछ लगी थी गिरफ्तार के लिए। तो कल की गिरफ्तार किया गया और इनसे 2,60,000 की बरामदगी है, साथ में इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 कट्टे और मोबाइल फोन मिले हैं। और कई घटनाओं का इन्होंने जो पीछे किया है वो भी वेरीफाई हुए। जेल में रहते हुए इन्होंने भी घटनाएं प्लान की थी और इसमें एक खास बात यह है कि जो इसमें कृष्णा है वो उसकी जब फोटो
गई थी सीसीटीवी फुटेज में, तो उसको लगा कि लोग पहचान गए हैं और ये तुरंत ही जेल में सरेंडर हो गया एक पुराने मुकदमे में। जब इसे लगा कि कोई नहीं जान रहा तो फिर सब जमानत करा करके बाहर आ गया, बाहर आते फिर हम लोगों ने इनको पकड़ा, तीनों एक साथ हमने गिरफ्तार किया, उनसे रिकवरी की गई। बहुत ही अच्छा काम हुआ है और ये पुराने अपराधी हैं, इन पर हमारी निगाह भी थी लेकिन किसी तरह से ये अभी बचे हुए थे और अब इनका पूरा इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और पूरा हमारे सीसीटीवी में डोजर बना करके इनका ट्वीट किया जाएगा ताकि आगे भी ये गतिविधि के अंडर वॉच रहे और ये हमारे सरलांग। यूपी के मुरादाबाद की ओर रुख करते हैं जहां गांव सिरसखेड़ा में इन दोनों लोग राशन डीलर के मनमानी से काफी परेशान है, जिसके चलते लोगों के पास विरोध के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। जी हाँ, आपको बता दे चले कि लोगों ने राशन डीलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। कहाँ रहते हो आप? सिरसखेड़ा। क्या परेशानी है? गल्ला ना मिलता। कब से नहीं मिल गया आप? काफी टाइम से चूतिया बनाए फिर रहे। क्या कहते हैं? गल्ला खत्म हो गया, गल्ला खत्म हो गया। खास खास आदमियों को दे देते हैं बस। कितने दिन उठा? आठ। आप कितने मिला? आप कितने मिला? 15 किलो। कहाँ रहते हो? क्या परेशानी डीलर से? गल्ला नहीं मिलता। क्यों? बोले तुम्हारा नाम ही ना है, लिस्ट में नाम ही ना है। गल्ला आ रहा है, एक बार दिया बस। कितना? 10 किलो। कितने यूनिट है आपके? 11। कार्ड पे कितने चढ़ा हुआ? 11 चढ़ा दी। कितने किलो चढ़ा हुआ कार्ड पे? कार्ड पे तो 60 किलो चढ़ा हुआ। और मिला कितना आपको? क्या नाम है डीलर का? असलम। फिलहाल अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन मनमानी करने वाले राशन डीलर पर कुछ कार्यवाही करेगा या फिर जैसा चल रहा है यूं ही चलने दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजातरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुपरफास्ट इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।